वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तरमी राजा जनक दी नगरी दे एक सरोवर किनारे एक महात्मा उपदेश कर रहा सी। शाम दा वेला ते बसंत रुत दे दा इंसान जग्यासु उस दे चौगिरदे बैठे हुए ज्ञान सुन रहे सन। सर्व नाल वार्ता चल रही सी कि गृहस्थ विच रहती हुई एक पतिव्रता स्त्री भी भक्त न्यायी है। जिवें ओह स्त्री संसार दे सारे सुखां ते मर्द दा त्याग करके अपने पति परमेश्वर दी सेवा करी जांदी है। जो कुछ पति खान ते पीन वास्ते दिंदा है ओह उसनू खा पी के शुकर गुजारदी है। अमीरां दियां शौहरतां दौलतां ते खुशियां देख के मन नहीं तोलदी अते भगवान दे दरबार विच परवान हुंदी है। तिवें जग्यासु या भक्त लोग दसां इंद्रियां नूं काबू रख के संजम विच जीवन बिताउंदे होए परमात्मा पति नूं खुश रखदे हन। परमात्मा दा सिमरन करदे ते उहदे पाने ते हुक्म अंदर रहंदे हन। उहनां नूं पति परमात्मा बहुत चंगा जानदा है। ओह इत्थे सुखी ते अग्गे सतिकार पाउंदे हन। जगत दे महान रोग काम क्रोध लालच हंकार ईरखा वैर विरोध आदि उस दे तन मन नूं रोगी नहीं रख करदे। एह जीवन चार दिहाड़े है जिवें रुत्तां तिथां ते मस्या पुन्निया दियां रातां बदलदियां रहिंदियां हन। तिवें जीवन दियां हालतां बदलदियां ने। समां दौड़िया जांदा है ओह किसे दी उडीक नहीं करदा। जो कल करना है उसनू अज करना ही योग है। जदों महात्मा यह उपदेश कर रहा सी तां सबब नाल उस शहर दी प्रसिद्ध नाची ते वेशवा पिंगला उस राहे आ निकली। उस वेले पिंगला दी उम्र मसां 25-26 सालां दे लगभग सी। 13 साल दी उम्र विच ओह नचन लगी सी। गौन वास्ते उहदा गला बहुत सुरीला सी। बस ओह उसे दी गाहक सी जिस कोल पैसे होन। नीतन वल देखदी ही नहीं सी। थोड़े जहे सालां विच ही उन्हें कईयां मर्दां नूं खाक्षां कर दित्ता सी। पाप कमाउंदी हुई पाप रूप बनी हुई सी। शर्महार्ज उसने वेच के खा लई सी। रात दिने शराब पींदी ते प्रेमियां नाल रंग रलियां नाया करती। मरना उसनू भुलिया होया सी। दौलत दे बदले 4-5 जवानां नूं मरवा भी चुकी सी। उस दे हथ लहू रंगे सन। ओह पुज के पाप सी। जदों दी असीं गल करदे हाँ तदों ओह अपने एक अमीर मित्र दे घरों आ रही सी। सारी रात ते सारा दिन पाप करदिया शराब पींदिया ते नचदे गाउंदिया समां बतीत कीता सी। थक टुट के ते सोने दियां मोहरां नाल झोली भरी ओह अपने डेरे नूं वापस मुड़ रही सी। भावें नशे दी टोट ते शरीर दी थकावट उस नूं तंग कर रही सी फिर भी ओह महात्मा दे सत्संग कोल खलो गई। उसने उपरोक्त पतिव्रता दा उपदेश सुनिया। भगवान दी लीला उस दे मन उत्ते चोट लगी। ओदे पापा ने उस नूं कंबाया। अग्गे जान दी थां ओह महात्मा कोल बैठ गई। दोवें हथ जोड़ के उसने बेनती कीती महापुरशो मैं एक वेसवा हाँ। तन नूं मर्दां दे हवाले करके दौलतां कमाउंदी हाँ। मेरा पति कोई नहीं क्योंकि मैं किसे मर्द नाल प्यार नहीं करती सगों सोने चांदी नाल प्रीत करती हाँ।
इस वास्ते मैनू दसो कि मैं मेरे उधार किवें होवेगा जदों मेरा पति नहीं। महात्मा सोची पै गया। अनुभवी ज्ञान नाल उसने पिंगला दे बीते ते भविखत जीवन उत्ते झात मारी। पिंगला दे दिल दी तस्वीर नू देखिया। उसनू कुछ आस हुई कि यह सुधार सकती है, पर हौली हौली इस दे मन उत्ते जो मैल लगी है वह छेती लथन वाली नहीं मनोर हो चुकी है। महात्मा ने सोच सोच के आख्या, देवी तेरा भला होवेगा, जरूर होवेगा, पर तैनू एक कठिन तपस्या करनी पवेगी। पिंगला, ओह केड़ी तपस्या महापुरशो? महात्मा, होर तू कुछ नहीं कर सकती, पाप करन तू पल्ला छुड़ाना तेरा औखा है। हाँ, यह कर सकती है कि तरकाला नू जो कोई मर्द तेरी बैठक ते पहला आ जावे उसनू पति समझ के उसकी सेवा करे। उस रात होर किसे मर्द नाल बात कर बात ना करे, भावें ओह पातशाह क्यों ना होवे। जे तू यह प्रण निभा लिया तां तेरा पाप खंडन हो जावेगा। एक समा आवेगा जदों भगवान तेरे ते मेहर करेगा। पिंगला ने महात्मा दे चरणा उत्ते मत्था टेकिया। जो तन अपने प्रेमी कोलों लियाई सी ओह संता दे चरणा ते विच टेरी कर दिता। टेरी करके आख्या, यह तन किसे सेवा च खर्च कर दियो। महात्मा, यह तन तेरे कोल ही शोभता है। इस पाप दी खट्टी नू होर कोई नहीं खा खर्च सकदा। इस नू तू ही खर्ची ले या उठ के तेरा कई दिन लंघ जाणगे। पिंगला ने बहुत यतन किता कि महात्मा उहदे कोल ओ सोने दियां मोहरां रख लैंदे, पर महात्मा ना मन्ने। पिंगला मोहरां चुक के डेरे वल नू आई। राह विच गरीब मंगते बैठे सन, ओह मोहरां उन्हां दे हवाले कर दित्ती। आप खाली हाथ अपनी बैठक विच पहुँच गई। पिंगला अपनी बैठक विच आई, आ के इशनान किता, लीड़े नवे ते कोरे पाए, अपनी सेज दा बिस्तरा भी बदल दिता। बैठक दे ओदे नाल दे कमरे तोते ध्यान नाल सफाई कीती, जिमें किसे छूत रोग कोलों बचीदा है। उस कोल दो दासियां सन, उन्हां नू आख्या, देखो अज तो नौकरी तो जवाब किसे होर थां जा के नौकरी कर लवो। दासियां ने हैरान हो के पुछया, बाई जी असां दी लोड़ क्यों नहीं, असी की भुल कीती है। पिंगला ने उन्हां नू उत्तर दिता, तुसां कोई भुल नहीं कीती, मैं इस पेशे नू हुण नहीं करना, मैनू दासियां दी लोड़ नहीं, हुण बहुत कमाई नहीं आवेगी जिस नाल मैं तुहानू तनखाह दे सकां। जाओ, दासियां डर गईयां। उसने आप अपनी रोटी पकाई, रोटी खा के बन ठन के बैठ गई। उसने पक्का फैसला कर लिया कि जेड़ा पहला मर्द आवेगा उस नाल भोग विलास करेगी ते उसनू पति समझेगी, भावें ओह गरीब होवे या अमीर। इतने नू एक मर्द आ गया, उसनू अंदर बिठा के बैठक दा बूहा बंद कर दिता। कई होर गाहक आए, उन्हां आवाजां मारियां,
बैठक दा बूहा पन्निया पर उसने ना आवाज दिती ना बूहा खोलिया। सारी रात उसे मर्द दी सेवा करती रही। इस तरह हर रोज़ नेम धार लिया। 12 साल लंघ गए ओह एक मर्द दी सेवा करती रही। 12 साल दी रातां विच जिन्ने भी मर्द उस कोल आए उसने सब नू आख्या कि कोई उस नाल जे शादी कर लवे ता ओह उस दी होके रहेगी, पर शादी वास्ते किसे हाँ ना कही। एक दिन विष्णु जी पिंगला दा इम्तिहान लैन वास्ते आ गए। विष्णु जी ने बुड्ढे ब्राह्मण दा रूप धारण कर लिया। त्रिकाला हुंदे सार ही पिंगला दी बैठक दियाँ पौड़ियाँ जा चढ़ी। पिंगला ने जी आया नू आख्या गर्म पानी नाल चरण धोए पैर कुटे जल पानी ते भोजन छकन वास्ते प्रार्थना कीती। पर ब्राह्मण विष्णु ने कहा कोई तृष्णा नहीं। जदों पिंगला ने उसनू सेज उत्ते खड़ाया तां ओह बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा जिस दी सेवा कोई इस्त्री मुश्किल करती है। पल पल पिछों दस्त आंदे। पिंगला सारी रात बिस्तरे बदलती रही, गंद सुटती ते हाथ धोंदी रही। जां दिन दा चढ़ाव होया तां ओह फज्जी ब्राह्मण मर गया। पिंगला उसे तरह रोन पीटन लग पई जिवें एक पतिव्रता इस्त्री अपने पति दे चलाने उत्ते दुख दे छोड़े प्रतीत करती हुई रोंदी पीटती है। उस दा रोना सुन के होर वेसवावां इकट्ठियां हो गईयां। सारियां ने उस दा मुखौल उड़ाया कि एक पिंगला ते बुढ़े गाहक बदले क्यों रो रो के फाबी हुंदी है। पर पिंगला कहंदी एह मेरा पति मरिया है, मैं इस नाल सती होवांगी, मर सड़ जावांगी। मरे ब्राह्मण दी चिखा चिन लई लोग हैरान सन। सचमुच पिंगला हार सिंगार ला के अते हाथ विच संदौरा फड़ के मरण सड़न वास्ते तैयार हो गई। उस दे नवे ते पुराने प्रेमिया ने रोकिया, पर उसने हठ ना छड़ी। विष्णु जी ने जा देखिया कि ओह हठ नहीं छड़ती, जरूर सड़ मर जावेगी। तां ब्राह्मण रूप विष्णु जी चिखा उत्तों उठ के बैठ गए। अपना असली रूप धारण करके पिंगला नू दर्शन दिता ते आखन लगे जो कुछ मंगना ई मंग। पिंगला ने निम्रता नाल आख्या हे कैलाश पति जी, जदों आप मेरे पति बन गए तां होर मैं की मंगा। मैनू किसे वर दी इच्छा नहीं, चरना विच रखो, मैं पापन अपना उदार चाहुंदी हाँ, तेरा कल्याण होवेगा। आंख के विष्णु जी लोप हो गए। पिंगला अपने घर आ गई। रहंदा जीवन उसने भक्ति ते पवित्रता विच बतीत किता। मंद कर्म ते नेड़े ना गई। जदों मरी तां ओदी आत्मा नू विवान विच बैठ के देवता बैकुंठ धाम नू लै गए। पिंगला तरी इस बारे भक्त रविदास जी आखदे ने अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, भाव अजामल पिंगला लुप्त अते हाथी हरी दा सिमरन करन दे कारण हरी दे पास पहुँच गए, उन्ना दी कल्याण हो गया। इस साखी दा भाव है कि मंद कर्मा विच डुब्या होया पुरश भी जे किसे महापुरश
ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪੱਧਰਤਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।